हे फ्रेंड, मैं हूं रूपाली और आर क्राउन रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और स्वादिष्ट बैंगन की रेसिपी, यानी कि हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। अगर आप एक बारी ऐसा बैंगन का भरता बना के खाएंगे तो आप बैंगन के भरते के फैन बन जाएंगे। तो चलिए आज की ये हमारी स्वादिष्ट और आसान रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए है बैंगन। तो मैं इस बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। भरते के अलग से बड़े बड़े बैंगन भी मिलते हैं, आप चाहे तो उसका भी भरता बना सकते हैं, पर हमारे घर में इसी का भरता पसंद है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से भून लेना है। इस तरह से कोई भी पापड़ सेकने की या प्याज सेकने की जो जाली मिलती है उसके ऊपर ऐसे बैंगन को रख देना है और हाई फ्लेम पर इसको हमने रोस्ट कर लेना है। इसको ज़्यादा समय नहीं लगता पकने के लिए, ये बहुत ही जल्दी अंदर तक पक जाते हैं। बस हाई फ्लेम पे इसको उलट पुलट करते हुए रोस्ट करना है, अच्छे से भुनना है। ये देखिए इस तरह से जैसे ही ये हो जाता है तो इसको फटाफट से पलट देना है और सभी साइड से इस तरह से अच्छे से भून लेना है। ये देखिए इस तरह से, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। इस तरह से अगर आप इसको भुनेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाता है और ये ऊपर का लेयर आसानी से निकलता है। अभी अच्छे से हमने भून लिए हैं, बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और बाद में इसके ऊपर के जो छिलके हैं ये हम पूरे निकाल लेंगे। इसको निकालना बहुत ही आसान है, ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। बस हल्के हाथों से ऊपर का बस ये जो जला हुआ लेयर है वही निकालना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। लगभग 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से भून जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे बैंगन के छिलके निकाल लेने हैं और इसकी पिछली साइड इस तरह से कट करके निकाल देनी है और फिर हमने इसको अंदर अच्छे से चेक कर लेना है ये खराब है या नहीं। तो इसको इस तरह से पहली बार कट कर लेना है और फिर से इसको कट करते हुए अंदर तक देख लेना है और बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे हम। और फिर हमने यहाँ पे लिया है पैन में थोड़ा सा ऑयल, इसमें हमने डाले हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन का बारीक पेस्ट लगभग 1 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेना है इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड करें, आपको कैसा तीखा चाहिए। थोड़ी सी हल्दी। अब इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट जिससे हमारी बैंगन का भरती की स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही लाजवाब लगेगा बैंगन का भरता। तो हमने इसमें डाला है हरा प्याज, यानी कि स्प्रिंग अनियन। इससे भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पर आप हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे इसमें हमारा कटा हुआ बैंगन। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसमें डाला है स्वादानुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको स्पून की उल्टी साइड से थोड़ा सा मसल देंगे इस तरह से, जिससे क्या होगा कि इसके जो हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और भरता एकदम एक समान अच्छा सा बन जाएगा। और फिर इसको इस तरह से ऑयल छूटने तक, जब तक ये ऑयल अलग ना हो इसमें से, तब तक इसको ऐसे ही फ्राई करना है। जैसे ही इसका ऑयल छूटने लगे मतलब ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैंगन का भरता तैयार है। तो इसको सर्व करते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर बाजरे के रोटी के साथ, ये बहुत ही लाजवाब लगता है। अगर आप इस तरह से बैंगन का भरता बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका बैंगन का भरता कैसा बना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़, और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसी ही और एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।